सब्सक्राइब करें सुहाइपर चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुहाइपर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले एलिवेटेड रेलवे ट्रैक्स क्या है, उन्हें क्यों बनाया जाता है और भारतीय रेल द्वारा हाल ही में किस एलिवेटेड रेल कॉरिडोर का कार्य पूरा किया गया और उसमें ट्रायल रन भी किया गया। तो इसके सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें एंड तक देखें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए अंदर चल गया, आज कुछ नया जान लेते हैं और थोड़ा अच्छा ही जान लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है, एलिवेटेड रेलवे ट्रैक्स ना एक ऐसी व्यवस्था है या अरेंजमेंट है जिसमें रेलवे ट्रैक्स के लिए सड़क के लेवल के ऊपर एक वायाडक्ट या अदर एलिवेटेड स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले ना हम एलिवेटेड रेलवे ट्रैक्स क्या होता है उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो एलिवेटेड ट्रैक्स क्यों बनाए जाते हैं ये सबसे पहले जानते हैं। वेल दोस्तों, इन्हें इसलिए बनाया जाता है कि रैपिड जो ट्रांजिट फास्ट हो, ट्रैफिक जो रोड के ऊपर या जो लेवल क्रॉसिंग पे ट्रैफिक होती है उसे कम किया जा सके, इसके लिए इसे बनाया जाता है। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक्स का स्ट्रक्चर यूजुअली स्टील, कास्ट आयरन, कंक्रीट या ब्रिक्स से कंस्ट्रक्टेड किया जाता है। यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स में भी ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज या नैरो गेज हो सकता है, इसमें बना सकते हैं। लाइट रेल, मोनो रेल या सस्पेंशन रेलवे भी हो सकते हैं या मेट्रो रेल भी हो सकते हैं एलिवेटेड रेलवे ट्रैक्स में, और मेट्रो रेल तो चलती है। दोस्तों, एलिवेटेड रेलवे ट्रैक्स ना नॉर्मली अर्बन एरियाज में देखे जाते हैं। क्यों देखे जाते हैं? तो दोस्तों, वो इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि वहाँ मल्टीपल लेवल क्रॉसिंग होती है और उनका जो ट्रैफिक्स रहता है या बहुत सी बातें रहती है वो कम किया जा सके, इसलिए उसे बनाया जाता है। दोस्तों, आपने इंडिया में बहुत से रूट पर देखा होगा जो ब्रिज होते हैं ना, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊँ, जो ब्रिज होते हैं ना नदी या नालों पर, वो है ना एलिवेटेड ही होते हैं, उन्हें एलिवेटेड ही कहा जाता है। तो इसके हिसाब से आप समझ जाओगे आगे वीडियो में धीरे धीरे कि एलिवेटेड रेलवे ट्रैक्स क्या होते हैं। अब जानते कि इन्हें पूरा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक्स नहीं कह सकते, जो नदी नालों पर रहते हैं उन्हें पूरा रेलवे ट्रैक्स नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इन्हें इसलिए एलिवेटेड रेलवे ट्रैक्स नहीं कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में ही होते, जैसे नदी नालों पर ये होते, पूरे रूट पर नहीं होते, यानी जहाँ से ट्रेन शुरू हुई और जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ तक नहीं होते, एलिवेटेड नहीं होते, बस कुछ नदी नालों में ये होते, इसलिए इन्हें एलिवेटेड ट्रैक्स नहीं कहा जाता। जैसे मेट्रो ट्रेन में होता है, जहाँ से ट्रेन शुरू हुई है जहाँ तक ख़त्म हो रही है वो पूरा एलिवेटेड होता है, इसलिए उन्हें एलिवेटेड ट्रैक्स कहते हैं। मोनो रेल में भी सेम सिचुएशन रहती है, सस्पेंशन रेल में भी सेम रहती है। वेल दोस्तों, एलिवेटेड ट्रैक्स ना इंडिया में अगर देखा जाए तो मोनो रेल्स पर है, मेट्रो ट्रेन्स में है, उनके रेलवे ट्रैक्स एलिवेटेड होते हैं, सस्पेंशन रेलवे ट्रैक्स पर भी एलिवेटेड रेलवे ट्रैक्स होते हैं। भारत में बैंगलोर मेट्रो, चेन्नई मेट्रो या चेन्नई मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, दिल्ली मेट्रो, ग्रीन लाइन, हैदराबाद मेट्रो, कोची मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, मुंबई मेट्रो, मुंबई मोनो रेल्स, नागपुर मेट्रो और रैपिड मेट्रो गुड़गांव, ऐसे बहुत से रेलवे ट्रैक्स पर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक्स है, या कहे सारे मेट्रो रेलवे ट्रैक्स पर एलिवेटेड रहते हैं। अब दोस्तों, आते हैं अपने नॉर्मल रेलवे पर और जानते हैं कि क्या कमी, नॉर्मल रेलवे ट्रैक्स पूरी तरह से एलिवेटेड हो पाएंगे या नहीं, और होंगे तो क्यों होंगे। तो वेल दोस्तों, ऐसा है, भारत के हरियाणा राज्य ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 2018 में हुआ, और ये भारत का पहला नॉर्मल रेलवे में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है जो हरियाणा के रोहतक से गोहाना रेलवे रूट पर बनाया गया। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट ना 315 करोड़ है, इसमें 90 करोड़ रेलवे ने दिया है, तो वही बाकी का अमाउंट हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। दोस्तों, भारत का पहला नॉर्मल एलिवेटेड रेलवे ट्रैक्स ना रोहतक गोना खंड पर एलिवेटेड रेलवे लाइंस का कंस्ट्रक्शन 5 बिजी लेवल क्रॉसिंग को खत्म या एलिमिनेट करके किया गया है, जो इस क्षेत्र की रेसिडेंटल कॉलोनीज को जोड़ता है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में ना रोहतक की सड़कों पर सुचारू यानी स्मूदर ट्रैफिक की सुविधा के लिए स्थापित की जाने वाली परियोजना से रेलवे को भी फ्लेक्सिबल काम करना पड़ा। दोस्तों, इस रूट पर सड़क के निर्माण के लिए 12 मीटर वाइड स्ट्रिप्स को छोड़कर मौजूदा अलाइनमेंट से सटे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक्स का निर्माण किया गया है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी रेलवे मंत्रालय, जो एलिवेटेड रेलवे ट्रैक्स ना कंपैरेटिवली यानी तुलनात्मक रूप से सेफर है, यानी सुरक्षित होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कहना है, क्योंकि उन पर कोई
ट्रेसपासिंग यानी अतिचार नहीं होता। दोस्तों इसके अलावा रेल मंत्रालय का यह भी मानना है कि इस परियोजना से उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि कैसे उसे रेलवे ट्रैक्स उन ऊंचे रेलवे ट्रैक्स हैवी ट्रैफिक यानी भीड़भाड़ वाले शहरों में हैवी ट्रैफिक्स का प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल या ख़त्म करने में मदद करते हैं। और यह अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का यानी ट्रांसपोर्टेशन का यानी शहरी परिवहन अर्गजता को कैसे कंट्रोल कराता है यह दर्शाता है। दोस्तों इसके अलावा भी रेल मंत्रालय ने यह भी महसूस किया है कि एलिवेटेड कॉरिडोर्स के निर्माण से भूमि अधिग्रहण को लेकर होने वाली परेशानियां कम हो जाएंगी, जो कि परियोजना में देरी का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। दोस्तों जमीन के मामलों मालिकों को मुआवजे की राशि की पेशकश की तुलना में एक ऊंचा कॉरिडोर बनाना आर्थिक रूप से अधिक वर्केबल है। आपको बता दूं कि जापान, फ्रांस, जर्मनी सहित कई फॉरेन कंट्रीज में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक्स या एलिवेटेड रेलवे कॉरिडोर्स का ही उपयोग किया जाता है, जो न केवल काम का त्वरित यानी परफॉर्मेंस मेक श्योर करता है, इंश्योर करता है, बल्कि ह्यूमन सेफ्टी भी इंश्योर करता है। दोस्तों एक बात बोलूँ, ये एलिवेटेड रेलवे ट्रैक्स ना फ्यूचर में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। इनसे सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल ही नहीं होगी लेवल क्रॉसिंग पर, बल्कि जो रेलवे ट्रैक्स पर कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस या कोई भी जानवर हो या इंसान हो, उन एलिवेटेड रेलवे ट्रैक्स पर नहीं जा पाएंगे। और ऐसा हुआ तो आप देखोगे कोई भी जानवर या इंसान कट कर नहीं मरेगा। दोस्तों रोहतक में देश के पहले 4.8 किलोमीटर के लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक्स का कार्य पूरा हुआ है और 19 अगस्त 2020 बुधवार को इसका पहला ट्रायल रन भी हुआ है। यह लास्ट परीक्षण से यानी जो लास्ट रन से पहले स्ट्रक्चर की सुरक्षा का जांच करने के लिए एक ट्रायल रन हुआ 19 अगस्त 2020 को। यहाँ पर रेल लाइन से भरी एक यानी जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उससे भरी एक मालगाड़ी स्लो स्पीड से ट्रैक पर आसानी से चली। वही न्यू बनाए गए एलिवेटेड ट्रैक्स पर ट्रेन का मूवमेंट अच्छा खासा रहा और अब हम जल्दी इसके लास्ट ट्रायल रन की उम्मीद कर सकते हैं और देखते हैं आगे यानी रोहतक से गोवाना के बीच कब चालू हो जाती है पूरी ट्रेन। तो दोस्तों देखते हैं फ्यूचर में भारत के और कौन कौन से रूट पर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक्स बनाया जाता है। सो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप ये कमेंट कर सकते हैं कि कौन से रूट पर यानी भारत के कौन से रूट पर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक्स की ज़्यादा ज़रूरत है और बनना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ इंडिया में बनना ही चाहिए ऑल ओवर। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आई हो। वीडियो कैसा लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ऐसे रिले से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।